नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं वाटर पोटेंशियल यानी जल विभव। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वाटर पोटेंशियल, जल विभव, देखो जल विभव के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? स्टेलियर, स्टेलियर तथा टॉयलर ने बताया, टॉयलर में बताया, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है, उससे पहले ये चीज समझो कि अगर किसी विलायक यानी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मुक्त अवस्था में रहते हैं तो उनकी एनर्जी क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। और वही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यानी विलायक के अणु किसी सिस्टम या तंत्र में उपस्थित होते हैं तो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ऐसे समझो, अगर नदी में वाटर है तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, फ्री है। और अगर यही मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं किसी तंत्र में या ग्लास में मैं पानी डाल दूं तो उसमें मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ऐसे ही समझो बच्चों कि अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो उस समय आपकी एनर्जी, आपकी एक्टिविटीज हाई लेवल पे होती है, और जैसे आप क्लास में बैठे होते हो और मैं सामने खड़ी हूँ तो उस समय आपकी एनर्जी क्या हो जाती है? लो हो जाती है, ना। तो किसी विलायक के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, स्वतंत्र विलायक के अणु की मुक्त ऊर्जा, और किसी तंत्र में उपस्थित उसी विलायक के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के जो ये अंतर होता है, इस अंतर को ही क्या कहा जाता है? वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। मैं रिपीट कर लूं, किसी स्वतंत्र विलायक के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा किसी तंत्र में उपस्थित उसी विलायक के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को क्या कहा जाता है? वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। और वाटर पोटेंशियल को साई डब्ल्यू या फिर साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? बार। कौन सी होती है? बार होती है। अब वाटर पोटेंशियल को का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ये सॉलिड पोटेंशियल है, साई एस प्लस साई एम प्लस साई पी। तो अब एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साई एस, इसे सॉलिड पोटेंशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉलिड पोटेंशियल, पोटेंशियल हिंदी में कहते हैं विलय विभव, विलय विभव। अब देखो विलय विभव की बात की जाए, क्या होता है? अब आप बताओ कि एक विलयन है ना, उस विलयन में ये विलायक के अणु, अभी ऊर्जा हाई है इनकी, अब ये क्या आ गए? थोड़े छोटे छोटे विलय के अणु। तो विलय के अणु विलायक के अणुओं पर दबाव लगाते हैं जिससे विलायक के अणुओं की कुल ऊर्जा में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। और इसे ही क्या कहा जाता है? सॉलिड पोटेंशियल। मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, किसी विलयन में विलय के अणुओं के द्वारा विलायक के अणुओं पर लगाया गया वह दाब जो उसके कुल मुक्त ऊर्जा में कमी कर देता है उसे क्या कहा जाता है? सॉलिड पोटेंशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉलिड पोटेंशियल कहा जाता है। और बच्चों सॉलिड पोटेंशियल का मान क्या होता है? ओपी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ओपी के बराबर होता है। फिर हम बात करेंगे मैट्रिक्स पोटेंशियल। अच्छा, सॉलिड पोटेंशियल का मान क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव। इस कारण हम इसे क्या करते हैं? माइनस लगाते हैं। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स पोटेंशियल। मैट्रिक्स पोटेंशियल ओपी मतलब पराश्रम दाब होता है ना, मैट्रिक्स पोटेंशियल। अब मैट्रिक्स पोटेंशियल को क्या कहा जाता है कि इसे कि देखो अगर मैंने किसी ग्लास में पानी भरा, जल भरा, और वो ग्लास की दीवारों के द्वारा जो पानी का की अवशोषित मात्रा होती है उसे क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स पोटेंशियल। अब आप कहोगे मैडम कोई ग्लास की दीवारें या ग्लास की जो जो भित्ति होती है वो जल का क्या अवशोषण करेगी? नहीं करती। इसलिए मैट्रिक्स पोटेंशियल का मान क्या होता है? लगभग जीरो होता है। और फार्मूले में मैट्रिक्स पोटेंशियल की जगह क्या आ जाएगा? जीरो। तो मैट्रिक्स पोटेंशियल सुनो, आप किसी सेल की सेल वॉल के द्वारा या माध्यम की दीवारों के द्वारा कुल अवशोषित जल की मात्रा को क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स पोटेंशियल कहा जाता है। और इसका हम जो मान होता है लगभग क्या होता है? जीरो होता है। यानी मैट्रिक्स पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है? लगभग जीरो। तो इसलिए हमारे जो फार्मूला होगा उसमें क्या हो जाएगा? अब जीरो हो चुका, तो साई डब्ल्यू बराबर क्या हो गया?
माइनस साई एस प्लस साई पी। अब आगे करेंगे थर्ड नंबर पे प्रेशर पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल और इसे हिंदी में कहते हैं दाब विभव। दाब विभव, अगर हम दाब विभव की बात की जाए तो ये क्या होता है? स्थैतिक दाब। स्थैतिक दाब क्या होता है? ऐसा दाब जो कि क्या होता है, जो मरी हुई चीजों के द्वारा लगाया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? बॉटनी में तो उसे स्थैतिक दाब ही कहा जाता है। जैसे कि यह दाब लगाया जाएगा, ये किसके द्वारा? सेल वॉल के द्वारा लगाया जाएगा। किस पर लगाया जाएगा? सेल वॉल के द्वारा। वैक्यूल पर, रिक्तिका पर जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रेशर पोटेंशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेशर पोटेंशियल कहा जाता है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो टीपी के बराबर होती है। किसके बराबर? टीपी के बराबर। तो यहाँ हमें ये पता चल गया कि सॉलिड पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू ओपी के बराबर होती है, लेकिन वो नेगेटिव होता है। और मैट्रिक्स जो पोटेंशियल होता है उसका मान लगभग क्या होता है? जीरो होता है। और प्रेशर पोटेंशियल जो होता है सेल वॉल के द्वारा वैक्यूल पर लगाया जाता है, रिक्तिका पर लगाया जाता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है? टीपी के बराबर होती है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो गया? वाटर पोटेंशियल। और आजकल वाटर पोटेंशियल को किसके नाम से जाना जाता है? डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, DPD के नाम से जाना जाता है, या विसरण दाब न्यूनता के नाम से जाना जाता है। ठीक बच्चों।